वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर। इसके लेखक हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल तथा वाचन किया है अच्युत कांत शास्त्री ने। वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जितने गूढ़, गंभीर व ग्राह्य हैं, उनका वर्तमान जीवन उतना ही सादा, सरल एवं सपाट है। उसमें विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उनका वर्तमान जीवन घटना बहुल नहीं है। घटनाओं में उनके व्यक्तित्व को खोजना भी व्यर्थ है। घटना समग्र जीवन के एक खंड पर प्रकाश डालती है। घटनाओं में जीवन को देखना, उसे खंडों में बांटना है। भगवान महावीर का व्यक्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, उसका विभाजन संभव नहीं है। उनके व्यक्तित्व को घटनाओं में बांटना उनके व्यक्तित्व को खंडित करना है। अखंडित दर्पण में बिंब अखंड और विशाल प्रतिबिंबित होते हैं, किंतु कांच के टूट जाने पर प्रतिबिंब भी अनेक और छिद्र हो जाते हैं। उनकी एकता और विशालता खंडित हो जाती है। वे अपना वास्तविक अर्थ खो देते हैं। भगवान महावीर के आकाशवत विशाल और सागर से गंभीर व्यक्तित्व को बालक वर्धमान की बाल सुलभ क्रीड़ाओं से जोड़ने पर उनकी गरिमा बढ़ती नहीं वरन खंडित होती है। सन्मति शब्द का कितना भी महान अर्थ क्यों ना हो, पर केवल ज्ञान की विराटता को अपने में नहीं समेट सकता। केवल ज्ञानी के लिए सन्मति नाम छोटा ही पड़ेगा, ओछा ही रहेगा। वह केवल ज्ञानी की महानता व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिनकी वाणी एवं दर्शन ने अनेकों की शंकाएं समाप्त की हों, अनेकों को सन्मार्ग दिखाया हो, सत्पथ में लगाया हो, उनकी महानता को किसी एक की शंका को समाप्त करने वाली घटना कुछ विशेष व्यक्त नहीं कर सकती। बढ़ते तो अपूर्ण है, जो पूर्णता को प्राप्त हो चुका हो उसे वर्धमान कहना कहां तक सार्थक हो सकता है। इसी प्रकार महावीर की वीरता को सांप और हाथी वाली घटनाओं से नापना कहां तक संगत है, यह एक विचारने की बात है। यद्यपि महावीर के जीवन संबंधी उक्त घटनाएं शास्त्रों में वर्णित हैं, तथापि वे बालक वर्धमान को वृद्धिंगत बताती हैं, भगवान महावीर को नहीं। सांप से न डरना बालक वर्धमान के लिए गौरव की बात हो सकती है। हाथी को वश में करना राजकुमार वर्धमान के लिए प्रशंसनीय कार्य हो सकता है, भगवान महावीर के लिए नहीं। आचार्यों ने उन्हें यथा स्थान ही इंगित किया है। वन विहारी पूर्ण अभय को प्राप्त महावीर एवं पूर्ण वीतरागी सर्व स्वातंत्र के उद्घोषक तीर्थंकर भगवान महावीर के लिए सांप से न डरना, हाथी को काबू में रखना क्या महत्व रखते हैं। जिस प्रकार बालक के जन्म के समय ईष्ट मित्र व संबंधी जन वस्त्रादि लाते हैं, और कभी कभी तो सैकड़ों जोड़ी वस्त्र बालक के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लाते तो सभी बालक के अनुरूप ही हैं, पर वे सब कपड़े तो बालक को पहनाए नहीं जा सकते। बालक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वस्त्र तो बढ़ते नहीं। जब बालक 20-25 वर्ष का हो जावे तब कोई माँ उसे वही वस्त्र पहनाने की सोचे जो जन्म के समय आए थे और जिनका प्रयोग नहीं हो पाया था, तो क्या वे वस्त्र 20-25 वर्षीय युवक को आ पाएंगे? नहीं आने पर वस्त्र लाने वालों को भला बुरा कहे तो यह उसकी मूर्खता मानी जाएगी, वस्त्र लाने वालों की नहीं। उसी प्रकार महावीर के वर्धमान, वीर, अतिवीर आदि नाम उन्हें उस समय दिए गए थे जब वे नित्य बढ़ रहे थे, सन्मति थे, बालक थे, राजकुमार थे। उन्हीं घटनाओं और नामों को लेकर हम तीर्थंकर भगवान महावीर को समझना चाहें तो यह हमारी बुद्धि की ही कमी होगी, ना कि लिखने वाले आचार्यों की। वे नाम, वे वीरता की चर्चाएं यथा समय सार्थक थीं। तीर्थंकर महावीर के विराट व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उन्हें विरागी, वीतरागी दृष्टिकोण से देखना होगा। वे धर्म क्षेत्र के वीर, अतिवीर और महावीर थे, युद्ध क्षेत्र के नहीं। युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु का नाश किया जाता है और धर्म क्षेत्र में शत्रुता का। युद्ध क्षेत्र में पर को जीता जाता है और धर्म क्षेत्र में स्वयं को। युद्ध क्षेत्र में पर को मारा जाता है
और धर्म क्षेत्र में अपने विकारों को। महावीर की वीरता में दौड़ धूप नहीं, उछल कूद नहीं, मारकाट नहीं, हाहाकार नहीं, अनंत शांति है। उनके व्यक्तित्व में वैभव की नहीं, वीतराग विज्ञान की विराटता है। जब जब यह कहा जाता है कि महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं है, तब उसका आशय यही होता है कि दुर्घटना प्रधान नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर के जीवन में आवश्यक शुभ घटनाएं तो पंच कल्याणक ही हैं, वे तो महावीर के जीवन में घटी ही थीं। दुर्घटनाएं घटना कोई अच्छी बात तो है नहीं कि जिनके घटे बिना जीवन जीवन ही न रहे। और एक बात यह भी तो है कि दुर्घटनाएं या तो पाप के उदय से घटती हैं या पाप भाव के कारण। जिसके जीवन में ना पाप का उदय हो और ना पाप भाव हो, तो फिर दुर्घटनाएं कैसे घटेंगी, क्यों घटेंगी? अनिष्ट संयोग पाप के उदय के बिना संभव नहीं है, तथा वैभव और भोगों में उलझाव पाप भाव के बिना असंभव है। भोग के भाव रूप पाप भाव के सद्भाव में घटने वाली घटनाओं में शादी एक ऐसी दुर्घटना है जिसके घट जाने पर दुर्घटनाओं का एक कभी ना समाप्त होने वाला सिलसिला आरंभ हो जाता है। सौभाग्य से महावीर के जीवन में यह दुर्घटना ना घट सकी। एक कारण यह भी है कि उनका जीवन घटना प्रधान नहीं है। लोग कहते हैं कि बचपन में किसके साथ क्या नहीं घटता, किसके घुटने नहीं फूटते, किसके दांत नहीं टूटते। महावीर के साथ भी निश्चित रूप से यह सब कुछ घटा ही होगा, भले ही आचार्यों ने ना लिखा हो। पर भाई साहब, दुर्घटनाएं बचपन से नहीं, बचपने से घटती हैं। महावीर के बचपन तो आया था, पर बचपना उनमें नहीं था, अतः घुटने फूटने और दांत टूटने का सवाल ही नहीं उठता। वे तो बचपन से ही सरल, शांत एवं चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उपद्रव करना उनके स्वभाव में ही ना था, और बिना उपद्रव के दांत टूटना, घुटने फूटना संभव नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ना सही बचपन में, पर जवानी तो घटनाओं का ही काल है। जवानी में तो कुछ ना कुछ घटा ही होगा। पर बंधुवर, जवानी में दुर्घटनाएं उनके साथ घटती हैं जिन पर जवानी चढ़ती है। महावीर तो जवानी पर चढ़े थे, जवानी उन पर नहीं। जवानी चढ़ने का अर्थ है यौवन संबंधी विकृतियां उत्पन्न होना, और जवानी पर चढ़ने का तात्पर्य शारीरिक सौष्ठव का, पूर्णता का प्राप्त होना। राग संबंधी विकृति भोगों में प्रकट होती है और द्वेष संबंधी विद्रोह में। ना वे रागी थे ना द्वेषी, अतः ना वे भोगी थे और ना ही द्रोही। महावीर ने विद्रोह नहीं, अद्रोह किया था। विद्रोह द्रोह का ही एक भेद है, द्रोह स्वयं एक विकार है। उन्होंने ना स्वयं से द्रोह किया ना दूसरों से, उन्होंने द्रोह का अभाव किया था, अतः उन्हें अद्रोही ही कहा जा सकता है, विद्रोही नहीं। द्रोह द्रोह को उत्पन्न करता है, द्रोह से अद्रोह का जन्म नहीं हो सकता। उन्होंने किसी के प्रति विद्रोह करके घर नहीं छोड़ा था, उनका त्याग विद्रोह मूलक ना था। उनके त्याग और संयम के कारणों को दूसरों में खोजना उनके साथ अन्याय है। वे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के रास्ते पर चले थे। वीतरागी पथ पर चलने वाले विरागी महावीर को समझने के लिए उनके अंतर में झांकना होगा। उनका वैराग्य देश काल की परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं हुआ था, उसके कारण उनके अंतरंग में विद्यमान थे। उनका वैराग्य परोपजीवी नहीं था। जो वैराग्य किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, वह क्षणजीवी होता है। परिस्थितियों के बदलते ही उसका समाप्त हो जाना संभव है। यदि देश काल की परिस्थितियां महावीर के अनुकूल होती, तो क्या वे वैराग्य धारण ना करते, गृहस्थी बसाते, राज्य करते? नहीं, कदापि नहीं। दूसरे, परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थी ही कब? तीर्थंकर महान पुण्यशाली महापुरुष होते हैं, अतः परिस्थितियों का उनके प्रतिकूल ना होना असंभव नहीं है। वैराग्य या विराग राग के अभाव का नाम है, विद्रोह का नाम नहीं। वे वैरागी राग के अभाव के कारण बने थे, ना कि विद्रोह के कारण। महावीर वैरागी राजकुमार थे, ना कि विद्रोही।
महावीर जैसे अद्रोही महामानव में विद्रोह खोज लेना अभूतपूर्व खोज बुद्धि का परिणाम है। बालू में तेल निकालने जैसा यत्न है। बंध्या के पुत्र के विवाह वर्णनवत कल्पना की उड़ाने हैं, जिनका ना ओर है ना छोर। घर में जो कुछ घटता है अपनी ओर से घटता है, पर वन में तो बाहर से बहुत कुछ घट जाने के प्रसंग रहते हैं, क्योंकि घर में बाहर के आक्रमण से सुरक्षा का प्रबंध प्रायः रहता है। यदि कोई उत्पाद हो तो अंदर के विकारों के कारण ही होता देखा जाता है, पर वन में बाहर से सुरक्षा प्रबंध का अभाव होने से घटनाएं घटने की संभावना अधिक रहती है। माना कि महावीर का अंतर विशुद्ध था, अतः घर में कुछ ना घटा, पर वन में तो घटा ही होगा। हाँ हाँ अवश्य घटा था, पर लोग जैसे घटने को घटना मानता है वैसा कुछ नहीं घटा था। राग द्वेष घट गए थे तब तो वे वन को ही गए थे। क्या राग द्वेष का घटना कोई घटना नहीं है? पर बहिर्मुखी दृष्टि वाले को राग द्वेष घटने में कुछ घटना सा नहीं लगता। यदि तिजोरी में से लाख दो लाख रुपए घट जाएं, शरीर में से कुछ खून घट जाए, आंख नाक कान घट जाए कट जाए, तो इसे बहुत बड़ी घटना लगती है, पर राग द्वेष घट जाए तो इसे घटना ही नहीं लगता। वन में ही तो महावीर रागी से वीतरागी बने थे, अल्प ज्ञानी से पूर्ण ज्ञानी बने थे। सर्वज्ञता और तीर्थंकरत्व वन में ही तो पाया था। क्या ये घटनाएं छोटी हैं? क्या कम है? इनसे बड़ी भी कोई घटना हो सकती है? मानव से भगवान बन जाना कोई छोटी घटना है? पर जगत को तो इसमें कोई घटना सी ही नहीं लगती। तोड़ फोड़ की रुचि वाले जगत को तोड़ फोड़ में ही घटना नजर आती है। अंतर में शांति से चाहे जो कुछ घट जाए उसे वह घटना सा ही नहीं लगता। अंतर में जो कुछ प्रतिपल घट रहा है वह तो उसे दिखाई नहीं देता। बाहर में कुछ हलचल हो तभी कुछ घटा सा लगता है। जब तक देवांगनाएं लुभाने को ना आवे और उनके लुभाने पर भी कोई महापुरुष न डिगे, तब तक हमें उसकी विरागता में शंका बनी रहती है। जब तक कोई पत्थर न बरसाए, उपद्रव न करे और उपद्रव में भी कोई महात्मा शांत ना बना रहे, तब तक हमें उसकी वीत द्वेषता समझ में नहीं आती। यदि प्रबल पुण्योदय से किसी महात्मा के इस प्रकार के प्रतिकूल संयोग ना मिले तो क्या वह वीतरागी और वीत द्वेषी नहीं बन सकता? क्या वीतरागी और वीत द्वेषी बनने के लिए देवांगनाओं का डिगाना और राक्षसों का उपद्रव करना आवश्यक है? क्या वीतरागता इन घटनाओं के बिना प्राप्त और संप्रेषित नहीं की जा सकती? क्या मुझे क्षमाशील होने के लिए सामने वालों का मुझे सताना गाली देना जरूरी है? क्या उनके सताए बिना मैं शांत नहीं हो सकता? ये कुछ प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बाह्य घटनाओं की कमी के कारण महावीर के चरित्र में रूखापन मानने वालों और चिंतित होने वालों के लिए विचारणीय हैं। महावीर के साथ वन में क्या घटा था? वन में जाने से पूर्व ही महावीर बहुत कुछ तो वीतरागी हो ही गए थे। रहा सहा राग भी तोड़ पूर्ण वीतरागी बनने नग्न दिगंबर हो वन को चल पड़े थे। उनके लिए वन और नगर में कोई भेद नहीं रहा था। सब कुछ छूट गया था। वे सबसे टूट गए थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। कुछ ओढ़ाना था। वे साधु बने नहीं हो गए थे। साधु बनने में भेष पलटना पड़ता है, साधु होने में स्वयं ही पलट जाता है। स्वयं के बदल जाने पर वेश भी सहज ही बदलता है। वेश बदल क्या जाता है? सहज वेश हो जाता है, यथाजात वेश हो जाता है। जैसा पैदा हुआ था वही रह जाता है, बाकी सब कुछ छूट जाता है। वस्तुतः साधु की कोई ड्रेस नहीं है। सब ड्रेसों का त्याग ही साधु का वेश है। ड्रेस बदलने से साधुता नहीं आती, साधुता आने पर ड्रेस छूट जाती है। यथाजात रूप नग्न ही सहज वेश है और सब वेश तो श्रम साध्य हैं।
वे साधु के वेश नहीं हो सकते क्योंकि उनमें गांठ है, उनमें गांठ बांधना अनिवार्य है। साधुता बंधन नहीं है, उसमें सर्व बंधनों की अस्वीकृति है। साधु का कोई वेश नहीं होता, नग्नता कोई वेश नहीं, वेश साज समार है। साधु को सजने सवरने की फुर्सत ही कहाँ है, उसका सजने का भाव ही चला गया है। सजने में मैं दूसरों को कैसा लगता हूँ का भाव प्रमुख रहता है। साधु को दूसरों से प्रयोजन ही नहीं है, वह जैसा है वैसा ही है। वह अपने में ऐसा मग्न है कि दूसरों के बारे में सोचने का काम ही नहीं। दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं इसकी उसे परवाह ही नहीं। सर्व वेश श्रृंगार के सूचक हैं। साधु को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं, अतः उसका कोई वेश नहीं होता। दिगंबर कोई वेश नहीं, संप्रदाय नहीं, वस्तु का स्वरूप है। पर हम वेशों को देखने के आदि हो गए हैं कि वेश के बिना सोच ही नहीं सकते। हमारी भाषा वेशों की भाषा हो गई है, अतः हमारे लिए दिगंबर भी वेश हो गया है। हो क्या गया है, कहा जाने लगा है। सब वेशों में कुछ उतारना पड़ता है और कुछ पहनना होता है, पर इसमें छोड़ना ही छोड़ना है, ओढ़ना कुछ भी नहीं। छोड़ना भी क्या, उघड़ना है, छूटना है। अंदर से सब कुछ छूट गया है, देह भी छूट गई है, पर बाहर से अभी वस्त्र ही छूटे हैं। देह छूटने में अभी कुछ समय लग सकता है, पर वह भी छूटनी ही है, क्योंकि उसके प्रति भी जो राग था वह टूट चुका है। देह रह गई है तो रह गई है, जब छूटेगी तब छूट जाएगी, पर परवाह उसकी भी छूट गई है। मुनिराज वर्धमान नगर छोड़ वन में चले गए, पर वे वन में भी कहाँ गए, वे तो अपने में चले गए। उनका वन में भी अपनत्व कहाँ है, उन्हें वनवासी कहना भी उपचार है। वे वन में भी कहाँ रहे, वे तो आत्मवासी हैं। ना उन्हें नगर से लगाव है ना वन से, वे तो दोनों से अलग हो गए हैं। उनका तो पर से अलगाव ही अलगाव है। रागी वन में जाएगा तो कुटिया बनाएगा, वहां भी घर बसाएगा, ग्राम और नगर बसाएगा, भले ही उसका नाम कुछ भी हो, है तो घर ही। रागी वन में भी मंदिर के नाम पर महल बसाएगा, महलों में भी उपवन बसाएगा। वह वन में रहकर भी महलों को छोड़ेगा नहीं, महल में रहकर भी वन को छोड़ेगा नहीं। उनका चित्त जगत के प्रति सजग न होकर आत्मनिष्ठ हो गया था। देश काल की परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी वासनाओं को दमन नहीं किया था, उन्हें दमन की आवश्यकता भी न थी, क्योंकि वासनाएं स्वयं अस्त हो चुकी थीं। उन्होंने सर्वथा मौन धारण कर लिया था, उनको बोलने का भाव भी न रहा था। वाणी पर से जुड़ती है, उन्हें पर से जुड़ना ही न था। वाणी विचारों की वाहक है, वह विचारों का आदान प्रदान करने में निमित्त है, वह समझने समझाने के काम आती है। उन्हें किसी से कुछ समझना ही ना था, जो समझने योग्य था उसे वे अच्छी तरह समझ चुके थे, अब तो उसमें मग्न थे। उन्हें किसी को समझाने का राग भी ना रहा था, अतः वाणी का क्या प्रयोजन। वाणी उन्हें प्राप्त थी, पर वाणी की उन्हें आवश्यकता ही ना थी। जो उन्हें चाहिए ही नहीं वह रहे तो रहे, और ना रहे तो ना रहे, उससे उन्हें क्या। रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, वे तो निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे। नहाना धोना सब कुछ छूट गया था, वे स्नान और दंत धोवन के विकल्प से भी परे थे। शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाले मुनिराज वर्धमान गिरी कंदराओं में वास करते थे। वस्तुतः ना उनका कोई शत्रु ही रहा था और ना कोई मित्र। मित्र और शत्रु राग द्वेष की उपज है। जब उनके राग द्वेष ही समाप्त प्राय थे, तब शत्रु मित्रों के रहने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था। मित्र रागियों के होते हैं और शत्रु द्वेषियों के। वीतरागियों का कौन मित्र और कौन शत्रु। कोई उनसे शत्रुता करो तो करो, मित्रता करो तो करो, उन पर उनकी कोई प्रतिज्ञा नहीं होती थी।
शत्रु मित्र के प्रति समभाव का अर्थ ही शत्रु मित्र का अभाव है। उनके लिए उनका ना कोई शत्रु था और ना कोई मित्र। अन्य लोग उन्हें अपना शत्रु मानो तो मानो, अपना मित्र मानो तो मानो, अब वे किसी के कुछ भी ना रह गए थे। किसी का कुछ रहने में कुछ लगाव होता है, उन्हें जगत से कोई लगाव ही ना रहा था। एक अघट घटना महावीर के जीवन में अवश्य घटी थी। आज से लगभग 2526 वर्ष पहले दीपावली के दिन जब वे घट अर्थात देह से अलग हो गए थे, अघट हो गए थे, घट घट के वासी होकर भी घट वासी ना रहे थे। ग्रहवासी और वनवासी तो बहुत दूर की बात है, अंतिम घट अर्थात देह को भी त्याग मुक्त हो गए थे। इससे अभूतपूर्व घटना किसी की जीवन में कोई अन्य नहीं हो सकती। पर यह जगत इसको घटना माने तब ना। इस प्रकार जगत से सर्वथा अलिप्त संपूर्णतः आत्मनिष्ठ महावीर के जीवन को समझने के लिए उनके अंतर में झांकना होगा कि उनके अंतर में क्या कुछ घटा। उन्हें बाहरी घटनाओं से नापना, बाहरी घटनाओं में बांधना संभव नहीं। यदि हमने उनके ऊपर अघट घटनाओं को थोपने की कोशिश की तो वास्तविक महावीर तिरोहित हो जावेंगे, वे हमारी पकड़ से बाहर हो जावेंगे और जो महावीर हमारे हाथ लगेंगे वे वास्तविक महावीर ना होंगे, तेरी मेरी कल्पना के महावीर होंगे। यदि हमें वास्तविक महावीर चाहिए तो उन्हें कल्पनाओं के घेरों में ना घेरिए, उन्हें समझने का यत्न कीजिए। अपनी विकृत कल्पनाओं को उन पर थोपने की अनधिकार चेष्टा मत कीजिए।